ठीक, आज कॉमन हैंड टूल्स के बारे में थ्योरी बताएंगे। कॉमन हैंड टूल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे जो टूल हैं जो कॉमन टाइम में यूज किए जाते हैं जगह जगहों पर, और उनको प्रत्येक ट्रेड वाला करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाला हो, चाहे मैकेनिकल वाला हो, और चाहे ऑटोमोबाइल वाला हो। ये सभी लोग जो है कॉमन टूलों को प्रयोग करते हैं, जैसे हैमर है, ग्लास है, स्क्रू ड्राइवर है, स्पैनर है। ये टूल ऐसे हैं जो कि सभी लोग प्रयोग करते हैं, जिनको हाथ के द्वारा प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इनका नाम कॉमन हैंड टूल्स कहते हैं। इसमें एक हैमर है। हैमर एक ऐसा टूल है, स्ट्राइकिंग टूल है, जो कि किसी चीज पर चोट मारता है। चोट मार करके उसकी शेप को बदलना, जो भी करना है, निकालना, बाहर करना, ये सारी चीजें इसके हैमर के द्वारा की जाती है। तो हैमर जो है कैसा टूल है, ये स्ट्राइकिंग, और इसका उपयोग छोटे बड़े प्रत्येक वर्कशॉप में किया जाता है। इसका दूसरा नाम इंजीनियरिंग हैमर भी कहते हैं, इसको हम इंजीनियरिंग हैमर के नाम से भी उपाते हैं। इसमें ज्यादातर ये कास्ट स्टील का बना होता है, ये कास्ट स्टील के बने होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है। इसके पार्ट्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसके पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। नंबर एक, इसकी जो हमने शेप बना रखी है वो हैमर के सबसे जो गोल टाइप का भाग होता है उसको हम बॉल पिन कहते हैं, और उसके जस्ट नीचे साइड में जो होता है उसको हम कहते हैं फेस, जिसके द्वारा चोट मारी जाती है, ठीक है। और बॉल पिन का उपयोग जो है, जो पिन राउंड शेप पर बनी होती है, इसका प्रयोग हम जहां पर रिवेटिंग करनी होती है उसके रिवेट के हेड को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें एक हैंडल होता है जो कि लकड़ी का होता है, हैंडल लकड़ी का होता है, और इसकी भी शेप जो है कुछ अलग तरीके की होती है, क्लिप्स के शेप की होती है, इलेक्ट्रिकल शेप होती है। उससे क्या होता है, ग्रिपिंग जो है हमारे हाथ में मजबूत रहती है, पकड़ जो है अच्छी रहती है। दूसरा, ऊपर वाला हिस्सा बॉल पिन होता है, नीचे वाला हिस्सा फेस कहलाता है, जिसके द्वारा चोट मारी जाती है। दूसरा, इसमें जो देखा वो जरा सा मोड़ खाता है, यहाँ पर वहां पर एक नेक होती है, हल्का सा जो शेप बनी होती है इसकी, जो इसको हम क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। इसमें एक लकड़ी की घास लगाई जाती है, हैंडल फिट किया जाता है, वहां पर लकड़ी की एक जो हैंडल होता है उसमें एक घास लगा दिया जाती है, इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। और दूसरा, इसकी जो शेप है, मतलब पीन को और फेस को छोड़कर के शेष हिस्सा इसका बॉडी कहलाता है, हैमर की बॉडी कहलाती है। और जो उसके देखा होगा हल्का सा चपटा सा जो शेप होती है उसको हम क्या कहते हैं, चीप कहते हैं, वो चीप कहते हैं, मतलब जो उसके फेस साइड उसको हम चीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हैमर जो है ये इसका उपयोग जो है ज्यादातर कहां पर किया जाता है, छोटे और बड़े वर्कशॉपों में, और प्रत्येक ट्रेड वाला करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे ऑटोमोबाइल का हो, ठीक है, चाहे मैकेनिकल का हो, इसका बहुत ही उपयोगी टूल कहा जाता है। फिर इसके बाद नंबर 30 पार्ट्स ऑफ हैमर हमने बताए थे आपको, कौन कौन से पार्ट है इसके, बॉल पिन, फेस, चीप, नेक और बेस। बेस क्यों लगाया जाता है ये आपको मालूम होगा, क्यों लगाते हैं, हैंडल को मजबूत, क्योंकि इसका जो होल, मतलब इसके अंदर जो होल होता है हैमर के अंदर, वो कैसी शेप का होता है, आई, मतलब जो आई की शेप होती है इलेक्ट्रिकल शेप की, उस तरीके से बना होता है, इसीलिए उसमें घास लगाने जब बीच किनारे किनारे पर थोड़ा गैप बचता है उसको पूरी तरीके से क्या करते हैं, बेस के द्वारा बेस लगा करके उसको भर दिया जाता है, जिससे हमको हिलने डुलने वाली समस्या जो होती है खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, सिलेक्शन ऑफ हैमर अकॉर्डिंग टू वर्क, मतलब हम हैमर का चुनाव किस आधार पर करना चाहिए, हैमर का चुनाव जो है वेट के आधार पर करना चाहिए, हमको जिस तरीके का, मतलब जहां पर जैसा कार्य करना हो उसके
करने जाते हो, मार्किंग करने के बाद अपनी जो लाइन है उस पर बनाते हो जॉब पर, उनको स्थायी करने के लिए एक मार्किंग हैमर का उपयोग करते हो, तो उस मार्किंग हैमर का जो उपयोग मतलब करते हो यूज, वो कितने ग्राम का होता है? 250 ग्राम का होता है, क्योंकि हल्का चाहिए होता है, क्योंकि तुमको पंच करके हल्के हल्के छोटे छोटे से निशान बनाने होते हैं। तो जैसा कार्य होता है उसके मुताबिक ही हमको प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लो बहुत ही हैवी कोई वर्क करना है, या मान लो कोई शाफ्ट है उसको पुली से पुली को बाहर करना है, तो वहां पर हमें जो है उससे बड़े हैमर का उपयोग करना चाहिए। 1.5 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, जितनी मतलब उसको हम किसके आधार पर, वेट के आधार पर, जैसा कार्य होगा उसके आधार पर हम जो माप करते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ हैमर अकॉर्डिंग टू वर्क, कार्य के अनुसार हमको हैमर का चुनाव करना चाहिए, जैसा कार्य हो उसके आधार पर। जैसे कार्य बहुत कोई छोटा करना है, या पीतल पर या कॉपर वगैरह पर, सब मटेरियल पर कहीं पर कुछ निशान बनाने हैं, कुछ करना है, पंचिंग करना है, तो वहां पर हमें हल्के हैमर का, जैसे सुनार है, सुनार जो होता है मान लो उसके पास भी हैमर होता है, तो बहुत छोटा सा हैमर होता है उसका, 100-150 ग्राम का होता है। वो क्यों रखता है? वो इसलिए रखता है क्योंकि उसका जो जिस मटेरियल को उसे कार्य करना है वो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, इसके आधार पर आपको हैमर का चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर, हम हैमर का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर, हैमर का जो वर्गीकरण है वो मटेरियल के अनुसार तो होता ही है, जैसे सॉफ्ट मटेरियल है हैमर जो है, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ हैमर, हैमर के प्रकार। तो नंबर एक में जैसे हमने अभी जो हैमर बनाया है वो बॉल पेन हैमर, क्योंकि इसका जो हिस्सा है कैसा है, बॉल की शेप का है, तो इसी के पिन के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। तो ये किस तरीके का है? बॉल पिन है। नेक्स्ट, बॉल पिन हैमर के बाद क्रॉस पेन हैमर, स्टेट पेन हैमर, ठीक है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर और स्टेट पेन हैमर। फिर उसके बाद नायलॉन हैमर होता है, मैलेट हैमर होते हैं, स्लेज हैमर है, ये इसके प्रकार क्या है, प्रकार है। ये कार्य के अनुसार हमें जगह जगह पर जैसे हमारा कार्य होता है उसके आधार पर हम चुनाव करते हैं। जैसे अभी हमने नाम एक लिया स्लेज हैमर, स्लेज हैमर ये इसका दूसरा हिंदी में इसको हम घन कहते हैं। तो जहां पर देखा होगा बड़ा बड़ा हैवी कार्य करने होते हैं वहां पर इस हैमर का प्रयोग करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लेज हैमर कहते हैं। और इसका जो वेट होता है वो 2.5 kg से लेकर के 10 kg तक का होता है। जो देखा होगा कभी कभी लाल लोहे को जो है फैलाना होता है या पीटना होता है उसको, तो हम घन से इसके ऊपर चोट मारते हैं, ठीक है। और इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानने के लिए हमको फिर पूरी तरीके से अध्ययन करना होगा, ठीक है।